हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे लोग निफ्टी का, सेंसेक्स का, सबका बॉटम ढूंढ रहे हैं, हर स्टॉक का बॉटम ढूंढ रहे हैं। तो हमारा तो यही मानना है भाई, क्यों ढूंढते हो बॉटम जब पैसा दोनों तरफ कमा सकते हो। मतलब नीचे गिर के भी फ़ायदा, ऊपर चढ़े तो फ़ायदा। मार्केट गिरने में लॉस नहीं, प्रॉफिट कमाओ। हर किसी को पता है कि मार्केट गिर रही है, और पिछले एक महीने से रेगुलर बेसिस पे हम भी अपडेट कर रहे हैं कि भाई अभी बड़ी पोजीशंस बनाने का, यानी कि लॉन्ग टर्म वाला काम नहीं है, अभी प्रॉफिट बुक करने का काम है। और अगर कहीं पे मौका है तो वो पैसा नीचे जाती है मार्केट में एंट्री लेके, सुबह बेच के शाम को निकल के, वो मौका है। और वो भी बड़े स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक्स में नहीं, बड़े स्टॉक्स में जाओ आप, मौका आपको मिलेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करो और अपना निकलते रहो। तो ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। मार्केट को एक ही तरफ, यानी कि ऊपर चढ़े तभी पैसा नहीं कमाया जाता, नीचे चढ़े तब भी, नीचे जाए तब भी पैसा कमाया जाता है, और तब ज़्यादा पैसा कमाया जाता है बल्कि जब नीचे जाता है। तो समझे चीज़ों को, बारीकियाँ समझे, और ये चीज़ आप तभी समझ पाओगे जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख पाओगे। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल मार्केट में नीचे जाके भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि जो डाउन ट्रेंड है, जो डर है, वो बहुत बड़ा यहाँ पर डर है, और वो डर की वजह से यहाँ पर लोग जो है माल निकालेंगे। निकालेंगे तो आपका काम क्या है, आप भाई इंट्राडे में आइए, पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि आज पोजीशन कैरी करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कल का किसी को नहीं पता कि गैप अप जाएगा या गैप डाउन जाएगा। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बट यहाँ पे भी रिस्क जरूर है, लेकिन रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। जब तक रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए टेक्निकल एनालिसिस वाली ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, तभी आप सीख पाओगे डबल साइड। अब ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, डर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और डेथ का केस है, नंबर ऑफ केसेस आप देखिए। US यानी कि अमेरिका, यूरोप जैसी कंट्रीज की हालत ख़राब है। कभी आपने देखा था कि चाइना बिल्कुल टॉप पे था, नाउ चाइना इज़ आउट ऑफ द लीग मान के चलिए। इटली ने ऑलरेडी इसको रिप्लेस कर दिया। अमेरिका इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि 1,23,000 के नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे हो चुके हैं। डेथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चाइना तो 3300 पे है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इटली और स्पेन जा चुके हैं। फ्रांस भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे चाइना को सरपास करने की कोशिश कर सकता है, ईरान भी। ये कंट्रीज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। यही नहीं, इनके सीरियस केसेस आप देखोगे स्पेन, फ्रांस के, या फिर US के, इटली के, बहुत तेज़ी से ये केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो यानी कि डर अभी कंटिन्यूड है। मार्केट ऊपर जाना काफ़ी टफ काम है, और नीचे कितना जाएगा, गोता गहराई क्यों नाप रहे हो जब आपके पास मौका है डाउन में भी, डाउन साइड में भी पैसा कमाने का। तो चूज कीजिए कोई भी टॉप के 50 स्टॉक, ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं। और देखिए, अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एशियन पेंट्स खुला था, मैं इसी से ही आपसे डिस्कशन स्टार्ट कर लेता हूँ। वीकली चार्ट आपको ऑलरेडी पता था कि भाई वीकली चार्ट ब्रेक हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ये ट्रेंड की सिंपल ये लाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से वीकली चार्ट जो है बिल्कुल ब्रेक हो गया था इस रेंज में। यानी कि ये हफ्ता है 9 मार्च वाले टाइम पे बिल्कुल ही नीचे चला गया, उसके बाद रिकवरी की कोशिश करी इसने और फिर नीचे गया। अब ये तो बड़ा टाइम फ्रेम था, हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली पे देखेंगे, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे अगले टाइम फ्रेम पे, यानी कि आवरली पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने बिल्कुल टॉप, ऑलरेडी प्राइस रिजेक्शन चल रहा था, प्राइस रिजेक्ट हुआ है, और इस पॉइंट पे इसका बॉटम टूटा था, और ये डेट थी आपकी 13 मार्च की, 13 मार्च को जवाब दे चुका था, जवाब दे रहा था, और उसके बाद देखिए किस तरीके से गिरा। गिरने के बाद ऐसा नहीं कि वापस नहीं है, वापसी देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल पीक पर आया, फिर से नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर से नीचे गया, फिर ऊपर आया। तो इस तरीके से सिचुएशन, अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि आवरली पे आओगे तो आपको सिचुएशन और क्लियर देखने को मिलेगी। मार्केट ऊपर जाता है तो भी मौका, नीचे जाता है तो भी मौका, ऐसे मौके बहुत ही कम आपको देखने को मिलते हैं। ये आप देखिए, ये मौके बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई, अब बहुत सारे लोग कहते हैं आप इंपल्स डाउन साइड में भी कहते हो, देखिए इंपल्स डाउन साइड में भी होते हैं, अप साइड में भी होते हैं। मेजर मूव इज इंपल्स, वेदर इट इज इन डाउन ट्रेंड, वेदर इट इज इन अप ट्रेंड। मेजर मूव, अगर अप ट्रेंड आपका कंप्लीटली है तो मेजर मूव मतलब बड़ा वाला मूव जो है वो इंपल्स कहलाता है। अगर आपका
मेजर मूव डाउन साइड है, तो जो नीचे को ये बड़ा मूव है ये आपका इम्पल्स कहलाएगा। तो अभी देखिए आप, ये इम्पल्स था, करेक्टिव बना, करेक्टिव के बाद फिर से इम्पल्स आया, फिर करेक्टिव बना, ये देखिए कितना बड़ा ये करेक्टिव था। अब आप कहोगे यार ये आवरली पे तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे आप कहोगे अरे वाह। अब ऐसी सिचुएशन अगर आप देखोगे, बहुत ही बेहतरीन मौके यहाँ पे पैसा कमाने के दोनों साइड। अब देखिए कितनी बड़ी ये कैंडल बनी, फिर दो स्टॉपेज मिले हमको और कितने अच्छे ये स्टॉपेज थे। अगर इस स्टॉपेज को रिजॉल्व होने के बाद किसी ने एंट्री ली होती यहाँ पे 1547 में, अप साइड में देखिए किस तरीके से मौका मिला था उसको। उसके बाद डाउन साइड में देखिए गैप डाउन, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको इवन यहाँ पे बहुत बढ़िया सेटअप है, इवन यहाँ उसके बाद ये गैप डाउन ओपनिंग, तो कैरी करने की पोजीशन जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कल क्या होगा। जो आज है वो आज है, कल का किसी को पता नहीं है यहाँ पे कि गैप डाउन ओपनिंग है या क्या गैप अप ओपनिंग होगी। तो इसीलिए यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बार बार कि समझिए इसको, आपके पास शॉर्ट साइड में भी मौके हैं, आपके पास लॉन्ग साइड में भी, अच्छा मार्केट का दिन होता है तो लॉन्ग साइड में भी मौके मिलते हैं, बट क्योंकि ओवरऑल सारा ट्रेंड डाउन साइड पड़ा हुआ है तो ऊपर जाना काफी टफ हो जाता है। अब देख लीजिए कोई भी स्टॉक उठा के देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक को ही ले लेते हैं, देखिए कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए अभी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं है, आप आवरली पे ही देख सकते हो, समझ सकते हो चीजें। अब आवरली पर अगर आप देखोगे, एचडीएफसी बैंक ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी थी शॉर्टिंग की, देखिए नीचे गिरा बिल्कुल, ये सारी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अभी भी देखिए बिल्कुल जंप है, करेक्टिव है, अभी देखिए करेक्टिव जो यहाँ मैं कहूंगा एक बड़ा ये जंप था, अभी रिजॉल्व होगा, यहाँ पे 875 के लेवल को तोड़ेगा, जब लेवल को तोड़ेगा फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, फिर ये धड़ल्ले से नीचे आएगा। तो आपको ये चीज़ें देखने के लिए छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके समझना पड़ेगा कि कब चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, रिजॉल्व होती है नीचे गिरेगा। तो यही सारी चीज़, अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं, अपसाइड डाउन साइड दोनों जब मौके हैं तो क्यों हमें मार्केट का बॉटम ढूंढना है। अब रिलायंस को भी देख लीजिए किस तरीके से तेजी आई है। अब तेजी आते आते देखिए फर्स्ट तेजी, सेकंड तेजी और उसके बाद गैप डाउन, फिर से देखिए यहाँ पे ऊपर भी मौके मिल रहे थे आपको, अभी के टाइम पे देखिए नीचे गिर रहा है स्टॉक। अभी नीचे गिरते हुए अगर आप देखोगे इसको तो यहाँ पे एक बेस इसने बना दिया है 1042 के आसपास का, ये बेस टूटेगा तो फिर से रिस्क बनेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रायर रेजिस्टेंस भी है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहाँ पे कर रहा है, तो ये काफ़ी नीचे गिर सकता है, चांसेस पूरे के पूरे हैं यहाँ पे। और मार्केट की कंडीशन भी डाउन साइड में ज़्यादा है बल्कि अप साइड में कम है। वही नहीं आप निफ्टी को देख सकते हो, और ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं कि पता चले आप फ्यूचर्स में जा रहे हो कि हम भाई फ्यूचर खरीद लेते हैं, एक स्टॉक उठा लीजिए कोई सा भी, और बड़ा स्टॉक हो तो ज्यादा बेहतर है, और उसी में ही आप 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, 20 स्टॉक, 100 स्टॉक प्रैक्टिस कीजिए पहले, तब जाके बड़े लेवल पे आप पहुंचोगे। आप देखिए निफ्टी 50 को आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल हॉल्ट आया, हॉल्ट के बाद क्या जंप आया, जंप आने के बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल शॉर्ट सेलिंग का फायदा। तो इस तरीके की सिचुएशन आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि हर किसी को पता है कि भाई परफॉर्मेंस जो है वो जो मतलब हैवी पार्ट यहाँ पे है वो डाउन साइड में है, डर फैला हुआ है, हैवी पार्ट डाउन साइड में है, तो क्यों हम अप साइड का सोचें। तो ज़्यादातर यहाँ पे शॉर्ट पोजिशंस में लोग पैसे कमा रहे हैं, और जैसे कि आपने देखा कि लास्ट थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे में लोगों ने शॉर्ट कवर करने की कोशिश करी, जिन्होंने भी ऊपर माल बेचा था, फ्यूचर बेचा था, क्योंकि एक्सपायरी होती है और वहाँ पे एक्सपायरी के बाद उन्होंने कवर करने की कोशिश करी तो मार्केट में जंप आया। जंप आने के बाद आप देखिए आज की कंडीशन आप देख पा रहे हो, अमेरिका की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, आईएमएफ की तरफ से भी घोषणा हो चुकी है, बिल्कुल स्टेटमेंट आ चुकी है कि भाई यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन आने वाला, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में तो नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या ऊपर पर चढ़ने के चांसेस होते हैं। मार्केट में अगर आप देखोगे तो पूरी ग्लोबल मार्केट ठप पड़ी हैं, तो ऊपर चढ़ने के चांसेस में कुछ एक आध वो मिलेंगे कि हाँ कोई पॉजिटिव चीज़ निकल के आई, कोई वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ या कोई कुछ भी इस तरीके से पॉजिटिव छोटी मोटी, बट नीचे चढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस सेगमेंट में आते हो, इस सेगमेंट में मीन शॉर्ट सेलिंग एंड ऑल में आते हो, तो सबसे पहले अपना चीज़ याद रखें, योर स्टॉप लॉस शुड बी फिक्स, इस चीज को याद रखें, स्टॉप लॉस आपका फिक्स होना चाहिए, ये पॉइंट याद रखें। एंट्री लेने से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, और आपका जो कैपिटल है रिस्क बिल्कुल मिनिमम रखें, और यहां पे क्योंकि काफी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है, तो बिना एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो ना ही आए तो ज़्यादा बढ़िया है। ऑल दो मैं जो मेंबरशिप वाले लोग हैं उनको बहुत प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यहाँ पे कि आप चीज़ें करो करो, उसमें बहुत सारे लोग इन आ रहे हैं आगे और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उनको चीज़ें पता लग रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे, कोई भी अगर आप देखो कोई भी सेटअप आप बनाते हो, एक पर्टिकुलर आपकी थीसिस होनी चाहिए, अगर क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, नोबडी नोज वेयर द मार्केट इज गोइंग, ठीक है, बट आपकी अगर थीसिस के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, जो आप थीसिस बना के चल रहे हो किसी पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, वो थीसिस की अगर सही डायरेक्शन में है तब तो पॉजिटिव है, अगर उसके नेगेटिव में मार्केट जाती है तो आपके पास स्टॉप लॉस है। यही फायदा है,
दूसरी चीज़, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है तो कम से कम यहाँ पे क्वांटिटी रखें और कम से कम टाइम फ्रेम में एग्जिट करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे आपको लंबा नहीं रहना है कि आप 1 घंटा 2 घंटा किसी ट्रेड में रह रहे हो। जल्दी से जल्दी 5 मिनट 10 मिनट यानी कि स्कैल्पिंग ज़्यादा काम यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मार्केट में जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यही चीज़ तो आपके जो एंट्री पॉइंट्स है, एग्जिट एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस है, ये बिल्कुल शार्प होने चाहिए, आपके रिफ्लेक्शन बहुत तेज होने चाहिए यहाँ पे, तभी आप यहाँ पे पैसा कमा पाओगे। और थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, टेक्निकल एनालिसिस अच्छी खासी हो, तभी आप यहाँ ये कर पाओगे। और अगर आप नए हो तो ओनली मैं कहूँगा पहले प्रैक्टिस, फिर टेस्ट ट्रेड्स, फिर जाके आप रियल मार्केट में उतरिए। तब तक नहीं उतरिए, पहले प्रैक्टिस, पहले लर्निंग, फिर प्रैक्टिस, फिर टेस्ट ट्रेड, और फिर जाके ये फोर्थ स्टेप में आप मार्केट में उतर सकते हो, वो भी मिनिमम क्वांटिटी के साथ। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट में दोनों तरफ पैसा कमाया जा सकता है। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है, चीज़ें समझनी है, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।